आज हम लोगों का सब्जेक्ट है UAPA, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। आजकल इस एक्ट को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लीगल फैटर्निटीज में, पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? हालांकि इसके अनेक कारण हैं, पर रीसेंट में जो एक बहुत बड़ी घटना हुई है, फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु हुई है कस्टडी में, जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी जबकि वो काफ़ी बुजुर्ग थे। अब उनकी मृत्यु ने लोगों को इतना दहला दिया कि एक 87 साल का बुजुर्ग आदमी जो कि देशद्रोह UAPA जैसे कानून के तहत बंद है और उसे अभी ट्रायल तक नहीं दिया गया, ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ उसका, तो इससे काफ़ी लोगों के अंदर असंतोष है। अब तो लोग अपनी अपनी तरह से लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। क्या है, क्या इसकी भूमिका है, इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो की श्रृंखला में, क्योंकि ये वीडियो मेरी अकेली एक वीडियो अगर मैं पूरा UAPA पे बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि UAPA को कई वीडियो में बांट करके थोड़ा थोड़ा करके बताने का प्रयास करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। अब हमें देखना होगा कि ये इसका सृजन कहाँ से हो रहा है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है UAPA की। तो इसका कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लिया जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। जो हमारे देश में दंड संहिता चल रही है, भारतीय दंड संहिता से ताजिराते हिंद भी कहते हैं, हालांकि वो शब्द उर्दू का है, भारतीय दंड संहिता हिंदी है, इंडियन पिनल कोड अंग्रेजी है। ये 1860 में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1860 जैसा कि आप जान ही रहे हैं उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, बट जब IPC इंट्रोड्यूस की गई थी तो उस समय सिडेशन लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर, बाकी सारे प्रावधान थे वहाँ पे, बट सिडेशन लॉ राजद्रोह जैसा कोई अपराध या सॉरी कोई धारा नहीं थी। इस पर्टिकुलर सेक्शन को 1870 में इंट्रोड्यूस किया जाता है IPC में, और उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि जब ये ड्राफ्ट बनाया जा रहा था तो ये छूट गया था, जबकि ओरिजिनल IPC के ड्राफ्ट में था कि ऐसा प्रावधान हो कि कोई अगर देश के खिलाफ या वर्तमान सरकार के खिलाफ, हालांकि उस समय तो देश की अवधारणा थी ही नहीं मैं जहां तक समझता हूँ, 1870 अगर 1860 की बात करते हैं, हालांकि 1857 में क्रांति हो चुकी थी और बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, पर उस क्रांति के कई कारण हैं, देश भी जिसमें एक है पर मुख्य कारण देश नहीं था, उस पर किसी और वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो पॉइंट ये है कि 1870 में इसको फिर से लिया गया। अब अगर IPC की जो 124A जो धारा जो सेडिशन को डिफाइन करती है कि क्या है, तो उसमें जो कीवर्ड निकल करके आते हैं, या पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं फिर उसके बाद कीवर्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे। द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात कोई आदमी अपने शब्दों से या अपने एक्ट से, अपने कार्य से कोई ऐसा काम करता है जिसका परिणाम ये होता है कि जो वर्तमान सरकार है, जो सरकार है उसके खिलाफ लोगों में नफरत आ जाती है, निराशा आ जाती है, या सरकार के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, तो उसे इस प्रावधान के तहत दंडित किया जाएगा। इसका उपयोग क्या था, आखिरकार इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई अगर अंग्रेज बना रहे हैं कोई कानून,
तो स्वाभाविक है उन्होंने अपने फायदे के लिए ही बनाया होगा। हालांकि आज भी कानून अपने फायदे के लिए ही बनाया जाता है। सबसे पहला है जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनकी आवाज़ थी कि हमें स्वतंत्रता दी जाए, उनकी मांग थी कि हमें स्वतंत्रता दी जाए। तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस कानून का उपयोग किया जाता था। ये एक फैक्ट है, नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, लिखना चाहें लिख, याद करना चाहें याद कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक पहले आदमी थे जिन्हें इस कानून के तहत कन्विक्ट किया गया था, अर्थात उन्हें सजा हुई थी। और उन्होंने केसरी नामक अपने अखबार में, जो कि मराठी भाषा में छपता था, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ घोर टिप्पणी की थी और उन्हें 18 माह की सजा हुई थी इसके लिए। अब अगर हम लोग समझते हैं कि कानून का कैसे निर्वचन होता है, तो हम लोग को मालूम होगा कि कानून का निर्वचन हमारे देश में क्या है। लगभग हर देश में उनका न्यायालय ही करता है कि कौन सा कानून का क्या अर्थ है। तो जब यहाँ पर निर्वचन की बात आती है कि हाँ भाई अगर ये कानून है तो इसको कैसे करके इसको समझा जाएगा, क्योंकि कानून बनता है उपयोग के लिए, तो उसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध की जाएगी, उसको कैसे उपयोगी बनाया जाए, क्योंकि जब तक उसको बढ़िया से अच्छे से निर्वचन नहीं किया, उसका इंटरप्रटेशन नहीं किया जाता है कानून का, तो कैसे उसका उपयोग होगा। तो ये काम मिलता है फेडरल कोर्ट को। 1937 में जो फंक्शन कर रही थी, और फिर इसकी अपील जो है, अगर उनके निर्वचन में कोई दिक्कत, इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई आदमी इस सेक्शन के थ्रू, इस धारा के थ्रू, सेक्शन 124A के थ्रू कन्विक्ट किया जाता है, तो वो अपनी अपील कहाँ करेगा। इंटरप्रिटेशन, ये सब टेक्निकल शब्द है, जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे जो सुन रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि इंटरप्रिटेशन कोर्ट में होता है और वो केवल स्टडी पर्पस के लिए ही होता है। उसका कल्प्रिट कहिए या चाहे कन्विक्ट कहिए, पता नहीं कौन है, कल्प्रिट भी हो सकता है, कन्विक्ट जो है एक इनोसेंट मैन भी कन्विक्ट हो सकता है, पर वो कल्प्रिट तो नहीं हो जाएगा। तो जब कोई ऐसा केस सुना जाता था फेडरल कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई उसके ऊपर की कोर्ट प्रिवी काउंसिल में होती थी, जो कि लंदन में थी। कुछ केस हैं जो कि फेडरल कोर्ट ने इस पर सुने थे, जहाँ पे कि इसका इंटरप्रिटेशन किया गया था, क्योंकि कानून तो लिखा गया है अपनी लैंग्वेज में, अब उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट करती है अपने लैंग्वेज में कि उसका मतलब कैसे हमको निकालना है। तो एक केस है निहारेंदु दत्ता मजूमदार वर्सेस किंग एम्परर, 1942 का है, फेडरल कोर्ट का डिसीजन है ये। पब्लिक डिसऑर्डर आर द रीजनल एंटिसिपेशन और लाइकलीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। अर्थात कि अगर कोई आदमी ऐसा कोई काम करता है जिसे कि जनता में वैमनस्यता फैलती है, पब्लिक डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे कि कोई राइट हो सकता है और इसमें उसकी अच्छी खासी भागीदारी है, या यहाँ पे एक कीवर्ड है लाइकली टू पब्लिक डिसऑर्डर, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए, वो इसका जेस्ट है। यानी कि उस समय फेडरल कोर्ट ने उस कानून को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बट आफ्टर कुछ समय के बाद सदाशिव नारायण भाले राव 1947 के केस में इस इंटरप्रिटेशन को बदल दिया गया। और फिर दूसरा केस आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस है, अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 में है, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, डूइंग और सर्टेन एक्ट्स, आप कोई ऐसा काम करते हैं
विच वुड ब्रिंग द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाती है, जिसके कि गवर्नमेंट अफेक्टेड होती है, जो कि गवर्नमेंट के सामने आता है इन इंडिया, जो कि आज के समय में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाती है, तो उसे भी इस सेक्शन के थ्रू प्रोसिक्यूट किया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। अब चूंकि वो सारे केसेस, सारे नहीं, लास्ट वाला तो 1997 का था, बट अब नए एरा में हम लोग आते हैं। अब हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। डेमोक्रेटिक स्टेट पाने के लिए हमारे कितने ही देशभक्तों ने अपनी जान दी, जेल में समय बिताया, अपना बहुत अपना कीमती समय दिया, बहुत अथक परिश्रम किया। किसका नाम लिया जा सकता है, किसका नाम छोड़ा जा सकता है, ये एक लंबी चर्चा हो सकती है। इसका स्वरूप जो है आज़ादी के बाद बदल जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेडिशन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1948। अब यहाँ पर यह थोड़ा तकनीकी विषय है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब हमें आज़ादी मिल जाती है, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस वर्ड पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन होता है, सेडिशन पर, राजद्रोह पर, और वो इसे जो है प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि इस वर्ड को निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपोज करता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तब उनकी बात का सम्मान रखते हुए, उनके आर्ग्यूमेंट को समझते हुए, हमारे देश की संविधान सभा ने सेडिशन को खत्म कर दिया। खत्म किया, उसे वहां से इरेज नहीं किया गया था, उसके ऊपर एक नया कानून बनाया गया, आर्टिकल 19(1)(a) गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक नया कानून बनता है, जिसे कि उससे जुड़ा हुआ दूसरा कानून अपने आप सुप्तावस्था में चला जाता है, नलीफाई हो जाता है। बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 124A आज भी IPC में है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं टू लिमिट द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 91A एंड इनएक्टेड आर्टिकल 19(2) टू एम्पावर द स्टेट पुट कर्व्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्री स्पीच। इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कई जगह विरोध होता है, हालांकि पॉलिटिकल विरोध था, कुछ लोगों की अलग अलग मांगें थीं कि हमें अलग स्टेट दिया जाए, हमारी भाषा को लेकर के हमें स्टेट दिया जाए, हमारे कल्चर को लेकर अलग स्टेट दिया जाए, वैसे ऐसे करके कई जगह विद्रोह होने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरीके की मांगें होती रहेंगी तो फिर देश तो जो है बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने इस चीज़ को लेकर के गंभीरता से सोचा और एक नया अमेंडमेंट लेकर के आए, और जिसके बाद आर्टिकल 19(2) को इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जो कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसको हिंदी में युक्त कहा जाता है, युक्त प्रतिरोध लगाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी काफ़ी ठीक था, इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं किया गया है, बट जब इंदिरा गांधी आती हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर बन करके, तब वो इसके साथ, इस सेक्शन के साथ बड़ा ही क्रांतिकारी व्यवहार करती हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन लाती हैं इस सेक्शन में।
हालांकि उनके समय में सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी तमाम संहिताओं में, चाहे सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, कई जगह उन्होंने बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट किए, और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ क्या मोस्टली आप अच्छे हैं। जब उन्होंने सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया, पूरी तरीके से सीआरपीसी को नए तरीके से लिखा गया जो कि औपनिवेशिक काल का था, उसके अंदर ये प्रावधान बनाया गया कि जो भी व्यक्ति इस सेक्शन के तहत पकड़ा जाता है या उसके उसकी अरेस्ट होती है या उसके ऊपर ये चार्ज लगता है कि वो सेक्शन 124A के तहत अपराधी बनाया जा सकता है या उसे एक्यूज बनाया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होगी और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा। और जैसा कि सीआरपीसी में आज भी है, अगर कोई आदमी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध करता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती पुलिस को। तो ये था इतना। अब इसके बाद की वीडियो में हम आगे समझेंगे टाडा के बारे में, कोटा के बारे में, और जो दमनकारी कानून, जितने भी सप्रेसिंग लॉज हैं उनको समझेंगे। फिर हम लोग आएंगे UAPA पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।